हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपेट इन फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन कंप्रेशन रेशियो ऑफ स्क्रू। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कंप्रेशन रेशियो को शॉर्ट में हम CRB बोलते हैं। तो दी रेशियो ऑफ फर्स्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ फीड जोन, फीड जोन का जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका डेप्थ टू लास्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ मीटरिंग जोन, जो मीटरिंग जोन है उसका लास्ट फ्लाइट का डेप्थ, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। और फर्स्ट चैनल वॉल्यूम ऑफ फीड जोन टू लास्ट चैनल वॉल्यूम ऑफ मीटरिंग जोन, इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया गया है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप दोनों भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों, जैसे कि हमारा यहाँ पे टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1.5:1 to 4.5:1 फॉर मोस्ट थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। यानी कि अभी यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं जो कि हमें फर्स्ट फ्लाइट है उसको हमने रेड कलर से यहाँ पे सर्कल से इंडिकेट किया है, ये फर्स्ट फ्लाइट है किसका, फीड जोन का, ठीक है। इसका मेंटरिंग जोन जो है उसका जो लास्ट फ्लाइट है उसको हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। अभी यहाँ पे ये आपका जो है ये डेप्थ है, ठीक है, इसका तो फीड जोन का, इसलिए यहाँ पे फीड डेप्थ लिख दिया है, ठीक है। तो ये फ्लाइट डेप्थ है, तो फीड जोन का फर्स्ट फ्लाइट का डेप्थ और मीटरिंग जोन का लास्ट फ्लाइट डेप्थ, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो कंप्रेशन रेशियो है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चैनल, जो हम इसको चैनल वॉल्यूम बोलते हैं, तो यहाँ पे चैनल है जिसको W से इंडिकेट किया गया है। तो फीड जोन का चैनल वॉल्यूम और मीटरिंग जोन का चैनल वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है उनको भी कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। अभी H जो है कैपिटल H, इसको हमने इंडिकेट किया है यानी कि फ्लाइट डेप्थ, जो कि कैपिटल H है, और ये स्मॉल H जो है वो यानी कि ये आपका मीटरिंग जोन का है, ठीक है। तो इसमें जो आप फ्लाइट डेप्थ देख रहे हैं उसमें अंतर है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लाइट डेप्थ है वो अधिक है, मीटरिंग जोन का जो फ्लाइट डेप्थ है वो कम है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो अनुपात जो है वो कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1.5:1 to 4.5:1 फॉर मोस्ट थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। अगर थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें जो रेंज रहता है वो 1.5:1 से लेकर के 4.5:1 तक रहता है, ठीक है। मोस्ट इंजेक्शन स्क्रू क्लासिफाइड एज जनरल पर्पज है भी कंप्रेशन रेशियो 2.5:1 to 3:1। अगर मोस्टली देखें तो इंजेक्शन जो इंजेक्शन मोल्डिंग में स्क्रू यूज होता है जनरल पर्पज स्क्रू, उसका जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो 2.5:1 से लेकर के 3:1 तक रहता है। थर्मोसेट स्क्रू हैव ए 1:1, यानी कि थर्मोसेट अगर स्क्रू है तो उसका जो कंप्रेशन रेशियो रहेगा 1:1 रहेगा, यानी कि एक एक अनुपात और एक अनुपात में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा फ्लाइट डेप्थ रहेगा फीड जोन में भी सेम रहेगा और मेंटरिंग जोन में भी सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारा जैसे कि कंप्रेशन रेशियो हमारा अधिक है तो उसमें क्या मतलब उसके रिजल्ट आएंगे, तो ग्रेटर शेयर हीट इम्पार्टेड टू रेजिन, यानी कि रेजिन में जो है हमारा शेयर हीट जो है ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। ग्रेटर हीट यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेल्ट, यानी कि जो हमारा मटेरियल है हीट यूनिफॉर्मिटी है वो अधिक रहेगा मेल्ट करने के लिए मटेरियल को। हाई पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेस इन सम रेजिन, कुछ रेजिन को स्ट्रेस करने के लिए खींचने के लिए जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, वो ज़्यादा क्षमता अधिक लगेगी, ठीक है, उसमें स्ट्रेस पैदा करने के लिए कुछ रेजिन के लिए। हाई एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो अधिक होगा। तो जो भी डायग्राम का यूज किया है हमने इसमें, तो वो आपको के समझाने के लिए, आपको क्लेरिफिकेशन के लिए किया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका CR का जो डेफिनेशन है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो आने वाली वीडियो आपको उस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।